क्रिसमस मेकअप लुक, ये वाला लुक आप क्रिसमस में भी कर सकते हो प्लस न्यू ईयर में भी कर सकते हो। सो ये बहुत ही इजी वाला लुक है क्योंकि मैंने ध्यान में रखा है कि बिगनर्स को ज्यादा इजी रहे क्योंकि बहुत ही मिनिमम प्रोडक्ट के साथ मेकअप किया है प्लस अफोर्डेबल है सारे के सारे। तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा कि ये वाला लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है। बहुत डूई एंड ग्लोई आपको लग रहा होगा, बस आप 5 या 10 मिनट्स के अंदर कर लोगे। सो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और पहली बार मेरे चैनल पर विजिट की होंगी तो मेक श्योर मेरे चैनल को चेकआउट कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को ऑनलाइन ब्यूटिशियन कोर्स मेकओवर से रिलेटेड वीडियो सिखाती हूँ, तो डू चेकआउट माई चैनल। और हाँ गाइज, वीडियो अच्छा लगेगा लास्ट में तो लाइक कर दीजिएगा, एंड पहली बार आए होंगे चैनल पे अच्छा लगेगा मेरा कंटेंट तो सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं किस तरह से आप ये वाला लुक क्रिएट। सो गाइज, सबसे पहले मैं यूज कर रही हूँ गुड वाइब्स की फेशियल ऑयल। आपको ठंड के मौसम में मॉइस्चराइजर जरूर यूज करना चाहिए या फिर फेशियल। तो ये बहुत अच्छा फेशियल ऑयल है, आलमंड फेशियल ऑयल है गुड वाइब्स का। ये आपको purple.com पे इजीली मिल जाएगा। तो मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ अपने स्किन पे अच्छे से। इसके बाद मैं डबल हाइड्रेट कर रही हूँ फेस को। तो मैं निविया सॉफ्ट मॉइस्चराइजर ले रही हूँ, आप कोई सा मॉइस्चराइजर ले सकते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है निविया का प्रोडक्ट, अगर आप बिगनर्स हैं तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो ये वाला मॉइस्चराइजर। इसके बाद वेस्टर्न ले रही हूँ एंड लिप को भी हाइड्रेट एंड मॉइस्चराइज कर रही हूँ ताकि जो भी लिपस्टिक लगाए वो केक ही ना लगे। सबसे पहले हम फेस मेकअप करेंगे तो प्राइमर मैं यूज़ कर रही हूँ लैकमे की एब्सोल्यूट प्राइमर। ये बहुत अच्छा प्राइमर है गाइज, ये एक टिंटेड प्राइमर है, इसके अंदर कलर है आप देख सकते हो, तो थोड़ा सा कलर आपके फेस को मिल जाता है। सो प्राइमर मैं ज़रूर अप्लाई करूँगी, इसके ऊपर मैं लगाऊँगी लैकमे की सीसी क्रीम। सो गाइज, अभी ठंड का मौसम है तो मेरी स्किन थोड़ी सी डल पड़ जाती है ठंड के मौसम में क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है। तो ये वाला जो आप सेट देख रहे हो सीसी क्रीम का, ये लाइट मेरी स्किन से बहुत ज़्यादा भी लग रहा है क्योंकि सीसी क्रीम ज़्यादा सेट में अवेलेबल नहीं है, 2 ही या 3 सेट आते हैं। तो ये सेट बेज है मुझे जितना याद है, तो इसको मैंने फिंगर की हेल्प से पहले अप्लाई कर लिया देन ब्रश की मदद से। इसके बाद कंसीलर यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी के। सो आप हल्का हल्का ही कंसीलर यूज़ कीजिएगा, आप हल्का जैसे अंडर आई के नीचे कर लीजिएगा फिर नोज़ के पास कर लीजिएगा। और ये पूना स्टोर की ब्रशेज़ है, मैं उससे ब्लेंड कर रही हूँ, बहुत अफोर्डेबल ब्रशेज़ है। मैंने बहुत बार आप लोगों को वीडियो में बताया है, ये मेरी लाइफ का फर्स्ट परचेज़ है ये वाला ब्रशेज, और बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। 3 साल हो चुके हैं इस ब्रश को मुझे लिए हुए, 2.5 साल आप बोल सकते हो। इसके बाद मेबलिन फिटमी की कॉम्पैक्ट ले रही हूँ एंड आप देख सकते हो पूरा का पूरा मैंने ख़त्म कर दिया। मैं इसका डबल मतलब दूसरा पीस लूँगी अब, बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट है, 200 रुपये में आपको क्या मिलेगा। बहुत ही अच्छा वाला मतलब बेस भी क्रिएट हुआ था, अभी लाइट लग रहा है बट बाद में ये सेट हो जाता है फेस पे। फेस को थोड़ा सा ब्रॉन्जिंग करने के लिए यूज़ कर रही हूँ फेसेस की ट्रायो पहले, जिसमें एक ब्रॉन्जर कलर भी है, ब्लश भी है, हाइलाइटर भी है। आप देख सकते हो पूरा फेस वाइट वाइट लग रहा है तो वो अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा कलर आपके फेस को मिल जाता है ना तो आपका फेस अच्छा लगता है। सो सीसी क्रीम में यही एक डिमेरिट होती है कि ज़्यादा सेड आपको नहीं मिलता है मार्केट में, और डार्क स्किन के लिए तो बिल्कुल भी अवेलेबल ही नहीं होते हैं। सो इसके बाद ब्लश भी मैं इसी ब्रश की मदद से अप्लाई कर रही हूँ, और ये ब्रशेज है फॉजल कंपनी की जो कि आपको अमेजोन पे मिल जाएगी, 600 रुपीज़ की पूरी सेट आती है। जितनी भी ब्रशेज है ये सब अफोर्डेबल मैं भी दिखा रही हूँ। इसी ब्रश से हाइलाइटर भी अप्लाई कर लूँगी क्योंकि मैंने बोला ना कि एकदम फटाफट होने वाला लुक है एंड आप बहुत ही ईजी वे में कर लोगे। सो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा इस वाले लुक को आप इस क्रिसमस या फिर न्यू ईयर में। उसके बाद आई मेकअप के लिए यूज़ कर रही हूँ निका की आई शेडो पैलेट, उसमें से येलो एंड ले रही हूँ मैं ऑरेंज शेड को। ये एक ब्लेंडिंग ब्रश है, पैक की ब्रश है ये, इसका नंबर है 06। सो सबसे पहले मैंने क्रीज पे दिया है इन दोनों कलर को, बस क्या कर रही हूँ मैं क्रीज पे दिया मैंने ये कलर को, और एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज और सर्कुलर ब्लेंड कर रही हूँ मैं। बहुत ही सिंपल आई मेकअप आप लोग बता रही हूँ, सबसे पहले आप आउटर कॉर्नर पे दो और इस तरह से ब्लेंडिंग कर लो। ये वाला आई मेकअप ना कोई भी कर लेगा, मतलब जिसको ब्रश पकड़ना भी नहीं आता होगा और जिसको ना बिल्कुल भी आई मेकअप नहीं आता होगा वो भी कर लेगा क्योंकि इतना ईजी वे में मैंने आप लोग बताया है। बस क्या करना है आपको अच्छे से किसी भी ब्लेंडिंग ब्रश, कोई सा भी ब्लेंडिंग ब्रश आप ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है यही वाला। सेम लोअर लेस्टन पर भी मैं यही कलर को दे रही हूँ ताकि ईजी रहे आई मेकअप, तुरंत हो जाए।
ऑल राइट इसके बाद मैं ले रही हूँ एक क्लीन ब्रश। आप कोई सा भी क्लीन ब्रश ले सकते हो ताकि जो भी आपने आई शेडो को अप्लाई किया है ना कोई भी हाथ साइन हो तो वो इजीली रिमूव हो जाए। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की लिक्विड ग्लिटर इन दिस शेड डायमंड डस्ट। बहुत अच्छा शेड है, आप इसको अप्लाई कर लो और फिंगर की हेल्प से ही इसको ब्लेंड कर लो। थोड़ा सा क्रिसमस लुक में ग्लिटर होना चाहिए, न्यू ईयर में थोड़ा ग्लिटर होना चाहिए, तो आप देख सकते हो। उसके बाद जो क्लीन वाला ब्रश है उसमें ब्राउन शेड को लिया है मैंने एंड हल्का आउटर कॉर्नर पे दे रही हूँ पहले मैं दोनों तरफ। इसके बाद मैं हल्का हल्का ब्लेंड कर दूंगी ताकि कोई भी हाथ लाइन हो वो रिमूव हो जाए। तो हो गया हमारा आई मेकअप कंप्लीट। हम सबसे पहले आईब्रो को फिल कर रहे, इसके बाद मतलब आईब्रो को फिल कर रहे, ये वेट एंड वाइल्ड की पेंसिल है तो बहुत अच्छा शेड है एंड बहुत नेचुरल इससे आईब्रो फिल होती है। इसमें स्पूली भी दिया हुआ होता है तो आप जैसे जैसे अप्लाई करते हो उसके बाद कॉम भी करते जाओ, बहुत ही अच्छा है। एंड मेरी आईब्रो अभी ग्रूम नहीं है, जैसे कि आपको पता है मैं जल्दी आईब्रो नहीं बनाती हूँ, मुझे नहीं पसंद है ज़्यादा पतली आईब्रो और मुझे ऐसा लगता है कि ना मेरे फेस पे खिलता भी नहीं है ज़्यादा इस वजह से। इसके बाद कॉम कर दिया। फिर ये एसेंस की मस्करा है, आप कोई सा ही मस्करा ले सकते हो। मैंने कोई फॉस लेसेस अप्लाई नहीं किया क्योंकि मैंने बोला ना ये मेकअप बिगनर्स के लिए स्टेप बाय स्टेप बताया, तो कोई भी आप आराम से टाइम 5 मिनट्स 10 मिनट्स निकाल के आराम से ये वाला लुक कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होगा क्योंकि इस बीच में तो मैंने आपको एकदम प्रोफेशनल मेकअप सिखाया है। जैसे कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हो, मैं आप लोग को ऑनलाइन ब्यूटिशियन कोर्स मेकअप की वीडियो सिखाती हूँ। लिपस्टिक के लिए यूज़ कर रही हूँ मैं फेसेस कैनाडा की लिपस्टिक, ये लिप क्रियॉन है, इसका शेड रेड है जितना मुझे याद है। और इनर कॉर्नर को भी सेम हाइलाइटर जो मैंने फेसेस की यूज़ की थी उसी से मैं कर रही हूँ हाइलाइट। फेस को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की सेटिंग स्प्रे, यहीं पे मेरा मेकअप डन हो जाएगा। तो अगर आप इस तरह का मेकअप कर रहे हो तो ये किसी भी आउटफिट के साथ चला जाएगा। तो मैंने बोला ना ये दो तरह से आप कर सकते हो, तो क्रिसमस था तो मैंने सोचा आप लोग शायद रेड वेयर करो तो रेड पे भी कर सकते हो, ब्लैक पे भी अच्छा लग रहा था, मुझे तो येलो पे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। ये फाइनल फिनिश लुक आपको जरूर पसंद आया होगा और बहुत ही फटाफट होने वाला लुक है, तो आप ये वाला लुक जरूर ट्राई कीजिएगा क्रिसमस में या फिर नए साल में। तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइए कि आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं इजी वाले तो मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। पहली बार आए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल और लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से, मैं बाय बाय।